बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका स्टॉक भी बेहतरीन चल रहा होगा। व्यूअर्स, आज की खुराक में हमने यकीनी पुलाव बनाया हुआ है, इसमें गोश्त भी शामिल है। गोश्त से भी ये जो है तो हमारे जो चूजे वगैरह हैं इनके पोसने के लिए बहुत अच्छा है, तो वो भी हम इनको देने लगे और आपको मैं देखे दिखाता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, मैंने ये अच्छे से मैच कर ली है और अभी मैं अपनी चीज़ों को देने लगा हूँ। चूज़ों को भी एक तरफ आपको दिखा दूँगा, सारे चूज़े जो है अंदर से भी बाहर निकाल दिए ताकि इनको भी हवा वगैरह लगे, इनके बाल वगैरह आए, धूप भी इनको लगे, तो इनके लिए विटामिन डी बहुत अच्छा होता है। तो इंशाल्लाह आज थोड़े बहुत ये लड़े हैं लेकिन कल इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो जाएंगे, ताकि इनको हवा देना शुरू करता है। और जो रह गए उनको भी हल्का फुल्का यहाँ डाल देते फिर आपको बाकी अंदर वाले चीजों की तरफ भी लेके चलूंगा। इनको भी यहाँ डाल दिए, अब जो रह गया अब इनको अंदर जो हमारे चूजे हैं उनको हल्का फुल्का जो बड़े परिंदे हैं उनको भी देते हैं ताकि उनका भी सुबह तक का गुजारा हो जाए। इस मुर्गे को इससे इधर बाहर निकाले और इसमें जो मुर्गा था इसको इधर शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा थोड़ा सा जो है खुला थोड़ा फील हो गया, इसको भी दे देते हैं। और जो हमारा शेरू रह गया इनको भी फटाफट से देते हैं और फिर बाकियों को भी हम दे देंगे। बाकियों को तो अल्हम्दुलिल्लाह खुराक तो दी भी होती है, पूरा दिन ही खुराक इनको मिलती है, लेकिन ये कि रात में आप बंद करके दें, जब आप बंद करने लगे अपने परिंदों को रात में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दे दिया करें, उससे जो है आपके परिंदे जो है फलते फूलते ज्यादा है। तो जितना आप डाइट मुख्तलिफ डाइट देंगे, आप कभी चिकन मैश करके भी दे सकते हैं अपने परिंदों को, आपके ऊपर है। आप लो कॉस्ट के ऊपर भी अपने परिंदों को बड़ा कर सकते हैं और यानी घर की जो खुराक होती है उससे भी, और जितना इस पर एक्सपेंस लगाएंगे उतने ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो इंशाल्लाह एक आध रोज में आपको बड़ी ज़बरदस्त एक और डाइट भी आपके सामने लेके आऊँगा। लाइव गांव की जो खुराक होती है जिसमें कीड़े बनते हैं और वो मुर्गियाँ भी आपको पता है जो फसलें वगैरह में जाती हैं तो वो कीड़े ही निकाल के खाती हैं, तो हम खुद बनाएंगे और आपको इंशाल्लाह पूरा उसका तरीकेकार भी बताऊँगा कि किस तरह आपने लाइव और अपने चूल्हों को देना है। और ये लाइव जब गांव खाते हैं तो इनकी खुराक इनको लगता भी बहुत ज़्यादा है और इनकी जो नशों में वो बहुत अच्छी होती है। तो मैंने कहा आपको एक बार ओवरऑल बाहर का व्यू भी दिखा दिया जाए और फिर हम अपने व्लॉग का वाइंड अप करेंगे। आप देख सकते हैं आज छोटी बड़ी दुनिया सब एक साथ ही खा रही है। इंशाल्लाह ये जो थोड़ा बहुत लड़ है ये कल तक इनका जो है ये डर वगैरह निकल जाएगा और ये फिर एक साथ जब दाना डलेगा परिंदों को तो फिर ये एक साथ ही खाएंगे और ये आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू।